अस्सलामुअलैकुम मयूरी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी जनाब, तो आज हम मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है और आज हम क्या बनाने लगे हैं? आज हम बनाने लगे हैं कोफ्ते, चिकन के कोफ्ते हैं। उसके लिए मैंने किलो कीमा ले लिया है, ये मैंने केएनएम्स का कीमा लिया है चिकन का। आप चाहें तो आप कीमा खुद भी करा सकते हैं। अगर आप कीमा खुद करा रहे हैं तो आप जिससे भी कीमा कराएंगे उसको आप कहेंगे कि मशीन में से 2 से 3 दफ़ा निकाल दें। मेरे पास कीमा थोड़ा सा मोटा है, केएनएम्स का कीमा थोड़ा सा मोटा होता है। तो हम क्या करेंगे, हमने ले लिया है जनाब चॉपर, हम इसको कर देंगे चॉप। तो मिलते हैं आपसे कीमा चॉप करने के बाद। तो जनाब हमारा कीमा हो गया चॉप, अब हम ले लेते हैं, आगे चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए अब हमने ले लिए किलो कीमा है हमारे पास, हमने ले लिए 3 मीडियम साइज़ के प्याज, इनको 4 टुकड़ों में कर लिया हमने कट। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम चॉप करेंगे और अच्छे से इसका पानी जो है वो मलमल के कपड़े में डाल के, प्याज चॉप करने के बाद मलमल के कपड़े में डालेंगे और अच्छे से इसका पानी निचोड़ लेंगे। तो जनाब ये देखें, हमने प्याज का पानी अच्छे से निचोड़ लिया, इसको चॉप करके ये ऐसी शेप में आ गया। इसको हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमने सबसे पहले ले लिया अदरक पाउडर, अदरक पाउडर तकरीबन हमने लिया 1/4 टीस्पून, फिर हमने लिया लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून, फिर हमने ले लिया गरम मसाला सूखा धनिया 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक हंसते जायका, कुटी लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन कुटी लाल मिर्च मैंने ली है 1/4 टीस्पून, और जो पिसी हुई लाल मिर्च है ये मैंने लिया तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर। और इसके साथ हमने ले लिया पेपरिका पाउडर जो कि है तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर, और यहाँ पे हमने 1 टीस्पून के बराबर ले लिया ज़ीरा, जिसको हमने लेके सफ़ेद ज़ीरे को भून लिया था, भूनने के बाद हमने उसको पीस लिया। तो ये हो गया हमारा 1 टीस्पून ज़ीरा। तो हम अब ऐड करते हैं अपने सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स। तो जनाब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड कर लिए हैं। इसके बाद हमारे पास है बेसन, ये है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून बेसन, इसको हमने भून लिया था तवे पे, सिंपल फ्राइंग पैन में या तवे पे आप डाल के इसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे और हम इसमें वो ऐड कर देंगे। अच्छा जी, आप इसमें ऐड करना चाहें तो आप हरा धनिया ऐड कर सकते हैं, सब्ज़ मिर्च ऐड कर सकते हैं, और वो बिल्कुल बारीक चॉप की भी आप दोनों चीज़ें ऐड करेंगे। मैं इसमें कुछ ऐड नहीं करूँगी, मेरे घर में धनिया नहीं खाया जाता इसलिए मैं उसको नहीं ऐड कर रही, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते तो इसलिए मैं इसमें हरी मिर्च भी ऐड नहीं कर रही। आप करना चाहें तो आप ये दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स और उसके बाद हम बनाएंगे अपने मीट बॉल्स। तो जनाब हमारा हो गया मिक्सचर अच्छे से मिक्स, ये देखें मसाले बड़े इक्वली हो गए मिक्स। अच्छा अब ये थोड़ा सा स्टिकी सा होता है, ठीक है। इसकी मीट बॉल्स बनाने के लिए हमने क्या हम क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे अंडा एक अदर जो हमने फेंट लिया, इसको हम लगाएंगे अपने हाथ पे, और इसको हाथ पे लगा के ताकि ये चिपके ना हमारे हाथों पे, इसको हाथ पे लगा के हम फिर इसकी मीट बॉल बनाएंगे। अच्छा जी, मैं शेप बनाने में मीट बॉल्स की बहुत बुरी हूँ इसलिए मैं ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अपने साथ। तो जी जनाब हमारे मीट बॉल्स तैयार हैं, और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और फ्लेम कर लिया ऑन, और फ्लेम जो है हम मीडियम लो पे रखेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो अब हम डालना शुरू करते हैं कोफ्ते। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, देखिए हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं बट बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, और हमने ऑयल कट्टा भी इसी से है कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो ताकि अंदर तक जो हमारे बॉल्स हैं वो प्रॉपर तैयार हो जाए। और चम्मच आपने इसमें बिल्कुल नहीं चलाना, आपने सिर्फ इसमें जो है वो इसको ऐड करके 3 मिनट के बाद बिल्कुल इनको कोई चम्मच नहीं चलाना। तो जनाब ये देखिए 2 से 3 मिनट गुजर गए हैं, अच्छा से इन्होंने अब कलर चेंज कर लिया है, इनको अब हम पलट देंगे, अब ये टूटेंगे नहीं। अगर आप इनको उस टाइम पे हम इसमें चम्मच चला देते तो हमारे जो कोफ्ते हैं वो टूट जाते। तो अब हम इनको पलट देंगे इससे, और पलटेंगे हम इसको, कोई हम इसमें वो स्पाइडर नहीं देंगे, कोई बड़ा चम्मच नहीं देंगे। ये देखें उसको से इसको पलट रहे हैं, उसका कलर चेंज कर रहे हैं, और देखें जो इसकी नीचे वाली साइड थी उस पर बड़ा अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो अब हम इसकी दूसरी साइड पर भी इसको 2 से 3 मिनट पकने देंगे, बल्कि 3 से 4 मिनट पकने देंगे। और फ्लेम ये देखिए मैंने बिल्कुल स्लो रखा हुआ है, नज़र आ रहा होगा आपको मेरा फ्लेम बिल्कुल स्लो है। हमने इसको इसी फ्लेम पर जो है वो कुक करना है, हमने तेज़ फ्लेम नहीं करना। तो 3 से 4 मिनट छोड़ते हैं और मिलते हैं आपसे 3 से 4 मिनट के बाद। तो जी जनाब दोनों साइड्स हमने गोल्डन ब्राउन कर ली हैं, ये देखें बड़े अच्छे सा कलर इससे आ गया है, प्यारा प्यारा सा कलर है जनाब। तो अब हम इस पॉइंट पे इनको निकाल लेंगे और हम इनको टिश्यू पेपर पे रख लेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है, सबसे पहले अपना फ्लेम करेंगे ऑफ, उसके बाद इनको निकालेंगे और इनको टिश्यू पेपर पे रख लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर में एब्जॉर्ब हो जाए। किचन रोल जो हम लेते हैं उसमें रख लेंगे, या फिर आपके पास किचन रोल नहीं है तो अखबार पे रख लें, टिश्यू पेपर पे रख लें, किसी में भी रख सकते हैं, ऑयल तो कोई भी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जी चलें इनको निकालते हैं। तो जी जनाब हमने निकाल लिए अपने कोफ्ते कढ़ाई से बाहर। तो हो ये तो है बड़े मज़े के गरम गरम, किलो कीमे में से बने हैं जनाब हमारे 27 कोफ्ते इस साइज़ के, ये साइज़ आप देख लें और देखें बिल्कुल टूटे नहीं हैं,
बिल्कुल ठीक है। और देखें मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो आपके सामने ही सही जूसी और सॉफ्ट बने हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मीट बॉल। इसके अलावा आप सालन बना सकते हैं, वो भी हम आपको ज़रूर अगली रेसिपी अगली वीडियो में बनाना सिखाएंगे। अच्छा जी, इनको हम इस तरह के जिप बैग्स में स्टोर भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, जब ये ठंडा रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो उसके बाद हम इनको इस जिप लॉक बैग में डालेंगे और हम इसको स्टोर कर देंगे। नॉर्मल कहीं से भी मिल जाएगा आपको जिप लॉक बैग, आपके जो ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं उसमें भी जिप लॉक बैग होते हैं, हर साइज़ के होते हैं, किसी भी साइज़ का ले लें, जितने आपने स्टोर करने हैं वो स्टोर कर लेने। तो अगर आप इनको फ्रेश फ्राई करके उसी टाइम इसका करी में बनाना चाहते हैं तो आप इनकी वो भी बना सकते हैं। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मत बताना भूलिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।